हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं लीगल अफेयर्स ऑफ द डे, यानी कि आज की जो विधिक घटना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रशांत भूषण से रिलेटेड केस से, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मैटर केस चल रहा था उसमें अंतिम कार कल 31 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। फैसला क्या दिया है? फैसला ये दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को आपराधिक अवमानना का दोषी मानते हुए सिर्फ नाम मात्र ₹1 का जुर्माना लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उन्हें प्रशांत भूषण को ये ₹1 का जुर्माना 15 दिनों के आने वाले 15 दिनों के अंदर ही जमा कराना होगा, वरना उनको 3 महीने साधारण कारावास की भी दंड दिया जा सकता है अगर उन्होंने जुर्माना नहीं भरा तो। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रशांत भूषण है उन्होंने न्याय के प्रशासन की संस्था को बदनाम करने का प्रयास किया है, इसलिए उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का जुर्माना उन पर लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यानी कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो ये दंड जो दिया जा रहा है प्रशांत भूषण जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, क्योंकि उन्होंने 2 ट्वीट्स किए थे जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था पर मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने जो 2 ट्वीट्स किए थे, पहला ट्वीट उन्होंने किया था 27 जून को, जिस पर उन्होंने भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ट्वीट किया था। दूसरा ट्वीट उन्होंने 29 जून को किया था, जिसको लेकर उन्हें 22 जुलाई को नोटिस दिया गया था, कारण बताओ नोटिस दिया गया था और उसमें उनसे जवाब तलब किया गया था। अब ये केस पिछले 1.5 महीने से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इस पर प्रशांत भूषण ने भी अपनी तरफ से कहा था कि वो तो सिर्फ अपने जो उनका फंडामेंटल राइट्स है, दैट एवरी ह्यूमन इन इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उन्होंने इसका हवाला देते हुए कहा था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार है, उन्होंने सिर्फ उस अधिकार का इस्तेमाल किया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा कि जो प्रशांत भूषण है उन्होंने न्याय के प्रशासन की संस्था जो है यानी कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय उसको बदनाम करने का प्रयास किया है, इसलिए उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी करार दिया गया है और उन्हें ₹1 के नाम मात्र जुर्माने से दंडित किया गया है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा कि उनकी नजरों में यानी सुप्रीम कोर्ट की नजरों में जो प्रशांत भूषण है उन्होंने सीरियस जो ये बात की है यानी कि बहुत ही सीरियस घटना ये की है उन्होंने जो प्रशांत भूषण है, और उन्होंने कहा कि ये न्यायिक जो संस्थान है उसको बदनाम करने का प्रयास किया है। इस बेंच में जस्टिस अरुण मिश्र की ये बेंच थी जिन्होंने ये फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि भारत के जो लोग हैं उनका विश्वास है भारत की न्यायपालिका पर, जिससे जो कि प्रशांत भूषण के ट्वीट के द्वारा उनके जो न्यायिक विश्वास, न्यायिक प्रणाली में जो विश्वास है वो कम हो सकता था, इसलिए उनको इस जुर्माने से दंडित किया गया है। और जो ये इनको दोषी करार दिया गया है वो 82 पेजों का जो जजमेंट दिया गया है इसमें, तो अभी भी प्रशांत भूषण के पास, हालांकि उनको जुर्माना जरूर दे दिया गया है और दोषी करार दे दिया गया है, पर अभी भी उनके पास रिव्यू पेटिशन फाइल करने का अधिकार अभी बाकी है। तो ये थी आज की लीगल अफेयर्स। और दूसरी जो लीगल अफेयर्स है वो रिलेटेड है सुशांत सिंह राजपूत के केस से। कल फिर लगातार 4 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होती रही। कल भी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। तो ये थी आज की लीगल अफेयर्स। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज लीगल अफेयर्स को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।